हालांकि ब्लॉग कम शूट किया है यहाँ पर जी, बिल्कुल उन्होंने ब्लॉग कम शूट किया है। तो अभी हम लोग निकल गए हैं घूमने के लिए, फिर वहाँ से फिर कहाँ जाएंगे कहाँ से कहाँ जाएंगे देखते हैं क्या होता है। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, और अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और खूब प्यार दीजिए। और आज की गर्मी इतनी खतरनाक गर्मी है कि हम आप सबको नहीं बता सकते हैं मौसम। अभी जब तक अभी एक हफ्ता पहले मौसम इतना अच्छा था जी सब के टाइम बर्थडे के टाइम, हाँ तो फिर इस टाइम इतना घटिया मौसम हो गया, इतना धूप। आज ये कुछ इस कलर के पहने हैं, मैं कुछ इस कलर के पहनी हूँ, तो हम लोग कैसे लग रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गर्मी है तो भैया थोड़ा बहुत चेहरा इधर उधर तो हो ही जाता है। दोस्तों चलिए मिलते हैं कुछ देर में आप लोगों से। गाइस आज हम फिर मेट्रो पे जा रहे हैं, मेट्रो का ही सफ़र हो रहा है क्योंकि बहुत आसानी रहता है कि मेट्रो से आना जाना। मास्क लगाना बहुत जरूरी, तो हमें लग गया। बताओ कौन सा चाहिए, स्वीट कौन दे दीजिए, स्पाइसी कितने वाला चाहिए, कौन सा वाला है, 50 चाट मसाला, मीट मसाला 50 वाला दे दो भैया, वाला दे दो। मामा सुट कौन? सुट कौन? यहाँ पे हम आ गए हैं खाने के लिए, सुट कौन? और यहाँ पे ये लगे हुए हैं, मोबाइल में ही लगे रहते हैं, खाना भी जाएंगे। मैं यहाँ पे स्पेसिफिक करके टेस्ट करके दिखाती हूँ क्या है कैसे है। तो गाइस इतना ख़त्म हो गया, थोड़ा सा रह गया, इनसे पूछा आप खा लो तो बोल रहे मैं स्पेसिफिक खाता ही नहीं हूँ। देखो मेट्रो में इतना ज़्यादा भीड़ है, खड़े होने का टाइम मतलब खड़े ही हैं, बैठने का जगह ही नहीं है। तो हम निकल चुके हैं मेट्रो से, बाहर आ गए हैं, नीचे उतर रहे हैं। उसके बाद इतनी कड़ी धूप है, जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि धूप बहुत ज़्यादा है और इतना गर्मी लग रहा है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बाप रे। तो हम लोग आ गए हैं भाई के घर, सौरभ भाई के घर। चीकू जी आपके लिए। चीकू जी, चीकू बहुत खतरनाक है, अभी रहो तो 10 मिनट। ये ले लो, आ जाओ। अच्छा ये कौन है बताओ, पहले कौन है? मुझसे तो बहुत बार मिल चुका है, छोटा बेबी नहीं आया। छोटा बेबी आएगा, अच्छा बोल दिया इसने जल्दी आएगा। फिर ले लो, क्या बोलते हैं गाइस, इनका नाम है चीकू। मैंने सुना ये बहुत ज्यादा नॉटी है, बहुत बोलते हैं ना। अभी तुम रहो 10 मिनट। तो गाइस देखिए मैं इनके घर आई हूँ, फर्स्ट टाइम आई और इनके दोस्त की वाइफ है। क्यों नहीं सर? चाचू का वेट कर रहे हैं, चाचू आएंगे, मेरे चाचू कब आएंगे, कब आएंगे। और यहाँ कोल्ड ड्रिंक मिल गया पीने के लिए। आप नहीं पीते? ना। क्यों? मैंने अभी पी ली थी थोड़ी सी। अच्छा थोड़ी सी पी ली थी, ओके। देखो मैं तुमसे दोबारा मिलने आ गया ना। और जोरी जोरी मिलने आती हो। सही है। बोलो है तो ना रोज रोज मिलने। आप तो वेट कर रहे थे। ये बहुत ही नाइस लड़का है, मतलब मैं जब बच्चों को देखता हूँ ना मेरे को पता नहीं रिसप की याद आने लगती है। कल हम लोग गए थे वहाँ पे, क्यूट सा बेबी मिला ना। हाँ। वो भी बहुत प्यारा था। कल गए थे हम लोग कीर्ति नगर, बहुत दूर है, बहुत दूर गए थे हम लोग मेट्रो से। खांसी? हाँ मैं भी गई थी। चाची नहीं बोलना। नहीं ले सरफ, गलत बात है। लेके जाते हैं, जाते नहीं हमारे साथ घूमने। और ये तुम मेट्रो में आए हो? मेट्रो सबसे बेस्ट, सब पता है, सबसे बेस्ट मेट्रो। कल भी गए थे मेट्रो में, तब तो गाइस यहाँ पे देखिए ये क्या खा रहे हैं,
छोले भटूरे अच्छा भाभी जी के हाथों का खाता रहता हूँ ऑफिस में, सौरभ डेली कुछ मुझे लाता है। और फिर स्माइल कर रही है, बोलता है तो नहीं ला रहा आजकल, मैं कह यार आजकल मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। इनको मैं इसलिए नहीं देती हूँ ना, जब मैं बना के दे देती हूँ तो ये लेकर नहीं जाते हैं और इतना नखरे दिखाते हैं, इसकी वजह से मैंने इनको देना छोड़ दिया। इतने प्यार से बनाओ फिर ये खाए ना तो फिर गुस्सा आ जाता था। यहाँ पे हमको भी मिल गया है खाने के लिए, आप खाइए। कैसा बना बताया नहीं आपने? अच्छा यहाँ पे इनका ब्लॉग चल रहा है तो ये ब्लॉग देख रहे हैं, डायमंड का ब्लॉग। बोल रहे बहुत टेस्टी बनाई है आप। अभी तो आपने खाया भी नहीं है, ये बता दिया ना इन्होंने, बताया कि अच्छा बना है। चीजें लेके आता डेली। अच्छा आप डेली टीवी बना के देते हो? डेली टीवी बना के देता है, मतलब चेंज कर करके। मैं बोली डेली बना के देते हो? डेली बना के देते हो। हाँ भैया तब तुम तो गाइस हमने खाना खा लिया, वो खा करके छोले भटूरे बहुत अच्छे थे। ये खाने पे खा लीजिए, खा लीजिए, जस्ट खाना खाए हैं, खाना खाते हैं। कुछ भी दोस्तों, खाना खा लिया ना बहुत अच्छा था, लेकिन पेट एकदम भर गया मेरा। अब थोड़ा मैं सोच रही थोड़ा सा बात कर लेती हूँ। इनका भी YouTube चैनल है, इनके चैनल का क्या नाम है? वर्षा गर्ग। ये बता रहे थे कि आपकी लिप सिंक बहुत अच्छी होती है रील्स के। सौरभ जब बैठते हैं ना, जब बात करते हैं तो सौरभ कितनी मेहनत कर रही है, वायरल नहीं हो रहा मगर सौरभ पेशेंस रख के हो जाएगा। हमारे साथ उल्टा था, इसको मैं संडे है ना तो कहाँ से ट्यूशन जाएंगे। सो गाइज आज थोड़ा सा गेट टुगेदर करना था क्योंकि बहुत टाइम से हमारी जो प्यारी भाभी जी हैं बोल रही थी कि आप किट्टो को लेके आओ, किट्टो को लेकर एक दो बार मैं अकेले आ गया था, बोलते यार अकेले आ जाते हो, कभी अपने साथी को लेकर गया हूँ। और इनको बहुत वो था कि यहाँ किट्टो से मिलना है, तो आज आ गए हैं और फाइनली मिल लिया इन्होंने, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और भाभी ने बहुत अच्छा खिलाया पिलाया भाई, मतलब गजब का टेस्ट। और एक होता ना कि छोले भटूरे खा लो पेट हैवी से लगता, लग भी नहीं रहा ना। नहीं मैं तो खाती नहीं, तो इसको जैसे मुझे इसको थोड़ा सा लग रहा है क्योंकि ये ना सुबह से कुछ भी नहीं खाई है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत खाया भी था और बहुत अच्छा लग रहा है। तो एक्चुअली और ये सौरभ घर मुझे बहुत अच्छा लगता है, डेकोरेशन बहुत 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 अच्छा लग रहा है। तो ये होम टूर वगैरह इनके भी चैनल पे आया हुआ है, सब भी आप लोग देख लीजिए, इनका भी देखिए, वर्षा गर्ग के नाम से इनका यूट्यूब चैनल। तो भैया इनको भी सपोर्ट करिए, प्यार करिए, इनकी मेहनत का फल मिलना चाहिए। बहुत बहुत डेडिकेट होकर के वीडियो बनाती हैं। और इनका अगर इंस्टाग्राम पे जो वीडियोस देखो, जो खासकर कॉमेडी वीडियोस आप देखोगे ना, आप बोलोगे क्या गजब की लिपसिंग करती हैं, बहुत अल्टीमेट नेक्स्ट लेवल का। तो थोड़ा बहुत मैं आपको थोड़ा सा झलक दिखा देता हूँ सौरभ के घर। तभी तो आप लेकर आए हैं मुझे। हाँ तो एक घर का आइडिया हो जाएगा ना। सौरभ का घर मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वेल मेंटेन और बिल्कुल जो होता है ना कि एक किस तरीके से होना चाहिए। इस गली से पैदल लेकर आएंगे हम। किट्टो जैसा तुमको मंदिर का वो है ना, देखो ऑलरेडी सौरभ के घर में ऐसा मंदिर है। यूज बहुत कम करते हैं, यूज ही नहीं करते होगे ना, और दूसरा चीकू की वजह से चीकू के कुछ टॉय यहाँ पड़े हुए हैं। और ये कार है, वाइंड है इनका किचन, देखो किचन वैसे मैं एक बार शायद दिखाया भी था किचन यहाँ पे आया था ना। और कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है ना। और पता है इनका जो है ना ऐसे करने से वर्क करने तक जो देखो, ये देखो, और देखो सबसे बड़ी बात है इतना इतना बढ़िया घर है, लेकिन ऐसी चीज जरूर है, मटका जरूर है। आप भी ऐसे लगवा लेना, बता। हाँ मैं तभी तो मैं इनको लेके चलता हूँ कहीं जाता नहीं। अच्छा इनका सबसे मुझे पता क्या अच्छा लगा था कि तो इनका जो सोफे का कलर है ना मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा है कलर सोफे के हिसाब से भी ये कर देते हैं।
वीडियोस बनाने के लिए इतना गजब कलर है ना ये। इसी में लगे हुए हैं बस। और ये बहुत अच्छा, मतलब सौरभ का ये देखो, ये जो है ना, ये भी एक रूम था लेकिन सौरभ ने इसको वो करा दिया, ड्राइंग रूम बना दिया। बहुत अच्छा है ये, देखा जाए तो ये एक रूम ही है, अगर यहाँ पे दीवार हो जाए यहाँ पे। हाँ लेकिन ये बहुत अच्छा है, ये देखो चीख रहे हो, अच्छा नहीं लगेगा, और बहुत अच्छा लग रहा है देखो कितना बढ़िया से सब। और यहाँ से भी काफी अच्छा है, वेंटिलेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। देखो ये पर्दे, देखो मैं बोला था ना ऐसे पर्दे, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। हम भी जब घर का अपना करेंगे तो आपसे जरूर डिस्कस करेंगे चॉइस के बारे में। ऐसी पता है किट्टो का बहुत फेवरेट कलर है ये, मुझे एक दो बार ना जबरदस्ती इस कलर टी शर्ट दिलाई थी। अच्छा वो चीकू ने भी पहन रखा है उस टाइप का, थोड़ा सा ये डार्क है ठीक है लेकिन अच्छा है। ये किसका फोन है? किट्टो का, किट्टो का, देखो यहाँ से किट्टो, ये देखो ये यहाँ से डोर मतलब जो भी है ना ओपन हो जाता है। फोर सीलिंग भी देखो काफी अच्छा है, कॉम्बिनेशन मतलब बहुत अच्छा है। अच्छा ये देखो ये घर देखने में लगता है कि नहीं ये मजबूत बना हुआ है ना, देखो वही बिल्डर फ्लोर का देखो ना, लगता है यार कुछ है। जड़ से बनवाया पूरा, अरे सौरभ हल्के में ले रही हो क्या, करोड़पति है। बड़े मजे, बहुत मजे लेते हैं लोग ऑफिस में डेली। शादी से पहले ऑफिस में, शादी से पहले ऑफिस ज्वाइन किया था ना इसने, तो मेरे साथ ही बैठ। हाँ तो जो जब ये आया था ना तो धीरे 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 हम लोग के साथ मेजोरिटी बन जाती है ना, तो मेरे साथ ज्यादा इसका बातचीत बनता है। और इनका घर कैसा लगा कमेंट कीजिए बताइएगा, और इनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कि घर में आई, ये देखिए छोटा सा बच्चा है, इनका बहुत ज्यादा नॉटी है। बाद में बताएगा, अभी नॉटी नॉटी का नहीं ना, बाद में बताना तुम।